आइंस्टीन अपने जवानी के शुरुआती दिनों में ही ऐसे ऐसे आविष्कार कर रहे थे जो साइंस में अपना अलग ही रूपरेखा रखते थे। और ऐसे ही समय बीतता गया और आया सन 1905, जिस साल अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्विट्जरलैंड के अंदर अपना एक रिसर्च पेपर सबमिट किया। ये वही रिसर्च पेपर थे जिसके अंदर अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना E=mc² यानी कि स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी को अंकित किया था। ये फॉर्मूला ये बताता है कि अगर आप किसी मास को स्पीड स्क्वायर की लाइट से ट्रेवल कराओ तो वो इतनी एनर्जी जनरेट करेगा जिसके सामने ब्लैक होल भी अपना सर झुका ले। खैर यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। समय आगे बढ़ता गया, साल आगे बढ़ते गए और आता है सन 1945। मैं आपसे कहूँ आपने कोई फॉर्मूला दिया इस ह्यूमैनिटी की यानी कि इंसानों की भलाई के लिए, लेकिन उसका उपयोग कुछ अलग तरीके से हो, वो भी आपकी जीते जी और आपके सामने, तो आपको कैसा लगेगा? सेम यही किस्सा हुआ अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ। अल्बर्ट आइंस्टीन के इस फॉर्मूले से एक वैज्ञानिक सर हेनरी को कुछ ऐसी इंस्पिरेशन मिली कि उन्होंने इससे बना दिया एक एटॉमिक बम, जिसका परिणाम ये हुआ कि पूरा का पूरा एक हिरोशिमा शहर तबाह। सॉलिड मैटर बिगन टू कम अपार्ट रिलीजिंग अनटोल्ड क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी। और मजे की बात यह थी कि उस समय अल्बर्ट आइंस्टीन जिंदा थे। हम सब लोग जानते हैं सर आइंस्टीन का डेथ 1955 में हुआ था। तब उन्होंने अपनी इन्हीं आंखों से अपने इस फॉर्मूले के कारण हुए इस तबाही को साफ साफ देखा होगा। सोचो उनके पर क्या बीती होगी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सोचा था कि इस फॉर्मूले की सहायता से ह्यूमन अपनी एनर्जी की कमी को पूरा करेगा और अपने आप को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन हुआ क्या, तबाही। हम लोगों ने एनर्जी तो बनाया लेकिन उसके साथ साथ एटॉमिक बम भी बनाए। तो यारो आप लोग इस कहानी से क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। बेचारे आइंस्टीन, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ।